नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कांग्रेस के संबंध में कुछ दो प्रचलित मत हैं कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या मत रखे गए हैं, तो ये दो मत हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में चर्चा की थी, तो इसके बाद हम ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और तड़प चालक का जो ये सिद्धांत है, इनके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है और किसके द्वारा ये मत दिए गए थे। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो प्रचलित दो मत है, उनमें से पहला जो मत है वो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने अपने जो उनका अखबार था, लाला लाजपत राय का अखबार था यंग इंडिया, यंग इंडिया में ये प्रस्तुत किया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, और कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की मस्तिष्क की उपज थी। जब हम कांग्रेस की पहली वीडियो, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पहली वीडियो पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था पहली वीडियो में कि जो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये जो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो लॉर्ड डफरिन, जो उस समय का वायसराय था भारत का, तो उसकी मस्तिष्क की उपज थी कि एक कांग्रेस की स्थापना की जाए, एक ऐसी पार्टी की स्थापना की जाए जिसके अंतर्गत जो ये भारत में जो राजनीतिक असंतोष व्याप्त थे, इसको कम करने के उद्देश्य से ये पार्टी का गठन किया गया था। इनका ये इसका जो उद्देश्य था, लॉर्ड डफरिन का जो उद्देश्य था, एक ऐसा संगठन जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन जो शासन कर रहा था, उसके द्वारा भारत में व्याप्त राजनीतिक असंतोष को कम कर सके। जैसा कि हमने अभी देखा कि इसका यही उद्देश्य था कि कांग्रेस भारत में जो असंतोष व्याप्त है कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन से, तो उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये उद्देश्य से इसने क्या किया था, ये कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो ये थी, जो डफरिन ने जो कांग्रेस की स्थापना की थी, ये ब्रिटिश हित में की थी, ना कि भारतीयों के हित में की थी। तो कांग्रेस की जो स्थापना का जो हित छुपा था, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही हित था। तो ये इसका ये इन्होंने कहा, किसने, लाला लाजपत राय ने ये सिद्धांत दिया, ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, कि ये जो लॉर्ड डफरिन था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान करने के लिए, कोई एक सहारा देने के लिए ये कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, ताकि असंतोष थोड़ा सा कम हो जाए। जब इन्होंने ये, लाला लाजपत राय ने ये सिद्धांत दिया, तो आरपी दत्त और गोवलकर ने इसका समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हाँ, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, इसी कारण कांग्रेस की स्थापना भारत में की गई थी। जब ये सिद्धांत आया, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चूंकि ये भारतीयों ने ये सिद्धांत देना शुरू कर दिया था, तो लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस जो है, अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, अब जल्द से जल्द कांग्रेस का पतन हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा, ये बात कई बार पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, तो ये पूछा जाता है, इसको याद रखें। अगला जो सिद्धांत था वो था तड़त चालक का सिद्धांत। तड़त चालक के सिद्धांत में, तड़त चालक का सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये तड़त चालक का सिद्धांत चलाया गया था। इन्होंने कहा था कि जो सरकारी असंतोष से बचने के लिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने, ये वो ह्यूम था ना, जो ह्यूम का उपयोग किया था तड़त चालक के रूप में, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो असंतोष था भारतीयों के प्रति, तो भारतीयों ने उसी सरकारी असंतोष से बचने के लिए ह्यूम का उपयोग तड़त चालक के रूप में किया था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, अगर कांग्रेस का संस्थापक एक अंग्रेज और पूर्व ब्रिटिश अधिकारी नहीं होता, तो कांग्रेस को शुरुआती दिनों में ही समाप्त कर दिया गया होता। मतलब अंग्रेजों के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया होता, कांग्रेस जो पार्टी बनी थी, इसको समाप्त कर दिया गया होता, यदि इसकी इसका संस्थापक जो था एक अंग्रेज अधिकारी और पूर्व ब्रिटिश, एक अंग्रेज और पूर्व ब्रिटिश अधिकारी नहीं होता। तो ये इन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले का ये तड़त चालक का सिद्धांत था। इसके लिए कुछ अन्य मत भी है, कुछ अन्य मत उनके अनुसार, अगर कांग्रेस जो है, ये कहा गया था कि कांग्रेस की जो स्थापना है, वो कांग्रेस पूर्व गठित कुछ अन्य दलों का विस्तृत रूप है। जैसा कि हमने देखा था कि जो पहले कुछ दल गठित किए गए थे, उन्हीं को विस्तार करके, जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन आईएनसी जो बनी थी ना, आईएनओ से बनी थी, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदलकर
इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था इसका, कांग्रेस का। तो पहले ये INO हुआ करता था, उसके बाद INC हुआ। तो कांग्रेस के कांग्रेस जो है वो पूर्व गठित कुछ अन्य दलों का विस्तृत रूप है। प्रारंभ में डफरिन ने कांग्रेस का समर्थन किया, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो डफरिन था उसने इसका समर्थन किया। लेकिन आगे चलकर जब कांग्रेस ने अपनी मांगे कठोरता से प्रस्तुत की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि चूंकि यही कहा गया था कि जो जो भारतीय लीडर हैं वो एक साल में एक बार मंच पर प्रस्तुत बैठे और सभी लोग ये आपस में ये सलाह मशवरा करें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो शासन कर रही है उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है। इस सिद्धांत को लेकर ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब लेकिन जब भारतीयों ने अपनी मांगें कठोरता से प्रस्तुत करना शुरू कर दी तो इसके प्रति फिर ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल गया, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया बदल गया और कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक हो गया। मतलब कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी आलोचनाएं की जाने लगी। उसके बाद आया 1888। 1888 में डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता के प्रति प्रतिनिधित्व का दावा जो करती है वो बेबुनियादी है। फिर उसी के बाद 1888 में लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन ने ये कहा कि जो कांग्रेस जो ये दिखाती है कि हम भारत की जनता का भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, बोले ये इनका दावा करना बेबुनियादी है। तो ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। जबकि कांग्रेस जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ये मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बौखलाए हुए थे, सीधी सी बात है। तो इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने अपनी जो कांग्रेस के अधिकारी लीडर थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने अपनी जो मांगे थी वो कठोरता से प्रस्तुत की कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए फिर लॉर्ड डफरिन और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया बदल गया था कांग्रेस के प्रति। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस अगर ये सोचती है कि हम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये बेबुनियादी है, जबकि कांग्रेस केवल मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो ये जो थे ये दो कांग्रेस के ये मत है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, तो तड़ित चालक का सिद्धांत और अन्य भी मत है, तो इनके बारे में हमने देखा। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है, लाइनें सीधी की सीधी आ जाती है, सीधी लाइनें रखी हुई रहती हैं प्रश्न में। तो इस तरीके से हमने दोनों मतों को देखा है। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस के तीन कार्यकाल माने जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादी और गांधी युग, ये जो तीनों युग माने जाते हैं कांग्रेस के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।